जय श्री राम। मित्रों, यहां तक की कथा रामचरितमानस की मैं आप सभी को सुना चुका हूं। आगे की कथा इस प्रकार है। दशरथ जी के पास जनक जी का दूत भेजना, अयोध्या से बारात का प्रस्थान। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर महाराज को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, देव घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलाकर भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्म की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए, हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पग राग मणि के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्म का मन भी भूल गया। बांस सब हरी हरी मणियां पन्नों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी मालूम भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरे हैं। माणिक के पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पिचकारी करके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भोरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। गज मुक्ताओं को सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। ऐसे सुंदर उत्तम बंधनवार बनवाए बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंवर बनाए जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हिन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप के रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सुचकाते हैं। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी कि राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांटते समय उनके नेत्रों में जल और प्रेम के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे, वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सुचकाते हुए पूछते हैं, पिताजी, चिट्ठी कहां से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सुकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं?
स्नेह से स्नेह ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों के पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं। तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से देखा है ना। सांवले और गोरे रंग वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने के से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें जीवा लाए गए तब से आज तक हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूत ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं है जिसके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों में प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ उनके लिए आप क्या कहते हैं। हे नाथ उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीताजी के स्वयंवर में अनेकों राजाओं और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्रित हुए थे, परंतु शिवजी के धनुष को कोई भी हटा नहीं सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीन लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिवजी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी अपने हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल खेल में कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस समय में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध में भरे हुए आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे ही श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बलि हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे सिंह के बच्चे के तागने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों में कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि में पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों के वचन रचना सुन बहुत सबको बहुत प्रिय लगी। सभी सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्होंने छावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म का विचार करके उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी जी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न होगा और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सलीके पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है, अतः डंका बजाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी कहे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर और दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल गए। राजा ने सारे रानीवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गर्जन सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बड़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। उस अत्यंत पवित्र पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने भी राम लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए।
तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। यो कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बंधावे होने लगे। 14 लोगों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्ते घर और गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी पवित्रपुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजा बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, चोरण, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चकोर पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर के बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर सम कहते हैं। बिजली की सी क्रांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजाकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लज्जा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहां विश्व को मोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट वृदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद वंश कुल से भर गए। भरत जी ने सब सहानी गुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के थे। वे धरती पर ऐसे पैर रखते थे जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे तेज चाल है कि मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों को भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चवरे लगी हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं कि मानो सूर्य के रथ की शोभा को भी छीन लेते हैं। अनित श्याम वर्ण घोड़े हैं। अनेकों सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र, शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता था सभी को सुंदर शकुन होते थे। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी है, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले।
मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गिरते जा रहे हों। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य ताम जान जो कुर्सीनुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हो। मागद सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कांवरें लेकर चले, उनमें अनेक प्रकार की वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना सास समाज बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है और श्री पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखें। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीष्म ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिन हिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए हुए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात देने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए। उनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राशि समान सजाया गया और दूसरे जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभामान था, उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हो। वेद की ध्वनि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वी पति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगलगान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनियों का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बारात ऐसे बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कोवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवेले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा से चल रही है। श्रेष्ठ सुहावनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हिरणियों की टोलियां बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। शेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से शेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगल में कल्याण में और मनोवांछित फल देने वाले शुकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शुकुन सुलभ हैं। जहां श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हिन है तथा दशरथ जी और जानकी जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शुकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात में से ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पिता का स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों का पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है और जहां
और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने के वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मासाप्रायण दसवां विश्राम। मित्रों, यह मैंने रामचरितमानस का वह अध्याय सुनाया है जहां पर प्रभु श्री राम की बारात अयोध्या से प्रस्थान करती है जनकपुर के लिए। यदि आपको प्रसंग अच्छा लगे तो इसे शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।